राजनीति में भाषा की मर्यादा टूट रही है। जमुई में तेजस्वी यादव की चुनावी सभा के दौरान किसी समर्थक ने चिराग पासवान की मां के लिए गाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद चिराग पासवान भयंकर गुस्से में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे सामने तेजस्वी यादव के परिवार के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वहीं इस मामले पर अब तेजस्वी यादव ने सफाई दी है और साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। इसका कोई जानकारी नहीं है, आप लोग सब लोग जानते हैं। अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये चीज टॉलरेट नहीं की जाती है, पहली बात है ना। हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक वीडियो डाला है जो जनता के बीच, मतलब मंच के नीचे जब हम भाषण दे रहे थे, हम तो अपना भाषण दे रहे हैं, है ना, उसमें तो कुछ समझ में आता नहीं। लोग जो है नारे लगाते हैं, कौन क्या बोल रहा, कोई अपने वीडियो बना करके डाला है उसमें। तो ऐसी बात जो है, हमको लगता है कि इस बात को जो है सब लोग समझते हैं कि क्या है नहीं है। हम लोगों को भी कई लोग ऐसी गालियां देते होंगे पब्लिक में, वहां नीचे बैठ करके कौन वीडियो बना रहा, कौन क्या बोल रहा है, नीचे से ऊपर थोड़ी सुनाई दे रहा है। तो ये बात जो है पतंगर इसका नाम बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा। हो गया भाई। राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं सेकंड फेज के चुनाव में, क्या कहेंगे? अरे चुनाव है तो सब लोग आएंगे और आएंगे तो अपने लोगों के प्रचार तो करेंगे और पूरे देश भर में करेंगे। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी, चुन चुन कर कार्रवाई होगी, इतना कंफर्म करता हूं। एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ा। देखिए दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीति का इस स्तर पर जाना उनके मानसिकता और संस्कार को दर्शाता है। वहीं चिराग पासवान की मां को गाली देने का मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। एनडीए के नेताओं ने बिहार निर्वाचन विभाग में इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। पूर्व विधायक और भाजपा प्रवक्ता उषा विद्यार्थी के नेतृत्व में नेताओं ने तेजस्वी की सभा में चिराग पासवान की मां को गाली देने के खिलाफ निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।